स्कूल्स में पढ़ाई होती थी, अब नहीं हो रही है, उसके रीजन कुछ और हैं, और उसका पूरा पूरा अगर किसी को ब्लेम जाता है तो कोचिंग सेंटर को जाता है, क्योंकि वहां के टीचर सारे कोचिंग सेंटर में चले गए, कुछ टीचर ने अपने कोचिंग सेंटर ही खोल लिए। आप भी जानते हैं कि स्कूल के टीचर कोचिंग में चले गए हैं, आप भी जानते हैं कि रैंक बिक रही है, गलती कहां, अगेन कोचिंग सेंटर की। रैंक बनाने का काम कोचिंग सेंटर नहीं करते। मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे मिले कि सर जो टॉपर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कोचिंग सेंटर उठा लेते हैं, लेकिन जिनका रैंक नहीं बनता उनके बारे में क्या, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। उनके पास एडमिशन्स लाखों में होते हैं लेकिन सिलेक्शन 5,000-4,000 भी नहीं होते। हमें सोचने की जरूरत है, इसलिए सबसे पहले कोचिंग कल्चर को लगाम लगानी पड़ेगी। और आपके एडवर्टीजमेंट से इन्होंने इतने ज्यादा फीस बढ़ा दी है, 2.5 लाख, कोई 1.5 लाख, इतनी फीसें होती हैं क्या है एनसीईआरटी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिनके लिए आपको कोचिंग करने की जरूरत है। अच्छा एक और बात, अगर आप कोचिंग सेंटर जाना चाहते हो तो कोचिंग सेंटर वाले को बोलो जब आप इतना फीस ले रहे हो आप लिख के दो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं लिख के देगा। तो गारंटी कहाँ है, गारंटी स्टूडेंट में खुद में होती है।